Question number 15. X minus 1, V minus X, X minus 2 square greater than 0. Critical point, X equal to 1, X equal to 3, and X equal to 2. X equal to 1, next X equal to 2, and X equal to 3. Arranging in ascending orders. थ्री के राइट साइड में कोई नंबर रख के चेक करना पड़ेगा कि साइन क्या है. थ्री के राइट साइड में कोई नंबर रखते हैं फोर. फोर पर ये पॉजिटिव, फोर पर ये नेगेटिव. थ्री माइनस फोर नेगेटिव, फोर पर ये पॉजिटिव. तो फाइनली नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा तो कर्व डाउनवर्ड. नेगेटिव आएगा तो कर्व डाउनवर्ड. अब थ्री से क्रॉस किया जा रहा है. थ्री के पावर में ऑड है. ऑड है तो साइन चेंज होगा एंड यहाँ पॉजिटिव. टू से क्रॉस किया जा रहा है. टू का पावर इवन है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा. वन से क्रॉस किया जा रहा है. वन के पावर ऑड है तो नेगेटिव होगा. और यहाँ पे चाहिए क्या? पॉजिटिव साइन वाला. पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ तक? वन टू टू, टू टू थ्री. अब क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करना है. क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है कि नहीं तो वन रखेंगे तो वन पे जीरो. जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए. टू भी नहीं होना चाहिए. थ्री भी नहीं होना चाहिए. तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू वन टू टू यूनियन टू टू थ्री. क्वेश्चन नंबर 16. x माइनस वन एक्स प्लस टू का स्क्वायर बाई माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो. लेस देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं. ये तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस टू का स्क्वायर बाई, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो. क्रिटिकल पॉइंट होगा. क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू वन. यहाँ से, यहाँ से माइनस टू, यहाँ से माइनस वन. तो सबसे पहले माइनस टू, नेक्स्ट माइनस वन, नेक्स्ट वन. ये तीन क्रिटिकल पॉइंट है. अब ये तीन क्रिटिकल पॉइंट है. सबसे राइट साइड में वन के बाद कोई नंबर रख कर चेक करते हैं. टू पर चेक कर लेते हैं. टू पर ये पॉजिटिव, टू पर ये पॉजिटिव, टू पर ये पॉजिटिव. लेकिन ये नेगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा. तो ये नेगेटिव कर्व डाउनवर्ड इस टाइप से. अब वन से क्रॉस कर रहे हैं. वन इस यहाँ पे आया था, इस फैक्टर से आया था. इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा. यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. माइनस वन इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा नेगेटिव. माइनस टू इससे आया था, पावर इवन है तो नेगेटिव ही रहेगा. अब मुझे चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू जीरो. नेगेटिव वाला, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू से माइनस वन एंड वन से ग्रेटर. तो अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लेते हैं. तो माइनस टू पर माइनस टू यहाँ रखेंगे तो ये जीरो होगा. जीरो पॉसिबल है. इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है ना. जीरो पॉसिबल है मीन्स माइनस टू होगा. माइनस वन, माइनस वन डिनोमिनेटर फैक्टर से आया था. ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है तो माइनस वन पर होल माइनस वन नहीं होगा. वन, वन इस फैक्टर से आया था. इसका यहाँ ये जीरो होगा तो जीरो हो सकता है. इसका मतलब वन होगा तो माइनस वन सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा. माइनस टू तो होगा ही. तो माइनस टू जब होगा ही तो यहाँ पे इंटरवल ब्रेक नहीं करेंगे. कंटिन्यू माइनस वन तक ले लिया जाएगा. तो एक्स बिलोंग टू आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी. वन में क्लोज ब्रैकेट क्योंकि वन इंक्लूड करना है. वन टू इन्फिनिटी ये होगा इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16.
दिस 2 के पावर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, ये फैक्टर 0 कहाँ पे होगा, तो 8 माइनस 8 0, तो 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, मीन्स x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8 माइनस 8 0, तो ये फैक्टर 0 होगा किस x के वैल्यू के लिए, x का वैल्यू 3, यहाँ से x का वैल्यू 7, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 1, सबसे पहले माइनस 1, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 7, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट है। 7 के लास्ट में, 7 के लास्ट में कोई नंबर रखते हैं, 7 के बाद 8 रख लेते हैं, 8 पर 2 के पावर 8 बहुत बड़ा नंबर, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 के पावर 8 माइनस 8 पॉजिटिव नंबर, 8 माइनस 7 पॉजिटिव नंबर, 8 प्लस 1 पॉजिटिव नंबर, तीनों पॉजिटिव है, तो इसका राइट साइड में पॉजिटिव बनेगा, कर्व अपवार्ड, कर्व अपवार्ड। अब 7 से क्रॉस किया जा रहा है, 7 से क्रॉस करेंगे तो 7 के पावर, 7 किस फैक्टर है जिसका पावर ऑड है, तो साइन चेंज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस 1 के पावर ऑड है, तो यहाँ पे नेगेटिव, आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 1, माइनस 1 रखेंगे तो इसके कारण 0 हो रहा है, तो 0 हो सकता है, माइनस 1 होगा। 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये 0 होगा, 3 भी होगा। 7 रखेंगे 0 होगा, 7 भी होगा, मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट भी होंगे, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 3 टू 7 क्लोज ब्रैकेट 3 टू 7 में, ये होगा आंसर। सेवेंटीन नंबर, 7x माइनस 5 बाई 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। इसमें 4 को लेफ्ट साइड में लाएंगे क्योंकि राइट साइड में 0 करना है, और ये बोले थे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5 बाई 8x प्लस 3 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3, ये 7x माइनस 5 माइनस 4 इंटू 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 32x माइनस 25x एंड माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 एंड 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 25x प्लस 17 एंड 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बना रहे हैं, तो ये फैक्टर है जिसका x का वैल्यू माइनस 17 बाई 25, x का वैल्यू माइनस 17 बाई 25 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से माइनस 3 बाई 8, तो माइनस 17 बाई 25 और माइनस 3 बाई 8 ये दोनों में जो लेस होगा वही लेफ्ट साइड होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.38 माइनस 0.38 के लगभग में अप्रॉक्स इतना वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.6 से बड़ा कुछ, तो माइनस 0.6 है, तो ये ज़्यादा छोटा नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 17 बाई 25, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 8, ये दो नंबर मिला। माइनस 3 बाई 8 के आगे, माइनस 3 बाई 8 से बड़ा कोई नंबर, 0, 0 रख लेते हैं, 0 पर ये माइनस 17, 0 पर ये 3, तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो इस टाइप का कर्व नीचे डाउनवर्ड, माइनस 3 बाई 8 से क्रॉस कर रहे हैं, माइनस 3 बाई 8 यहाँ पे है, इसका पावर 1 है तो ऑड है, साइन चेंज करेगा पॉजिटिव,
-27/15 25 -17/25 इस फैक्टर इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा ये हो जाएगा नेगेटिव। अब चाहिए क्या मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला पॉजिटिव साइन है -17/25 टू -3/8 क्रिटिकल पॉइंट ये रखेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो नहीं हो सकता है ये रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तो एक्स बिलोंग टू -17/25 टू -3/8 दोनों ओपन ब्रैकेट। नाउ नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मतलब वेवी कर मेथड में ही कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जो क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा तो फिर उसको कैसे हम लोग इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं अगर एक्सप्रेशन है कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसका बारे में देखना है कि इसका रूट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका ये तो इसका लीनियर इसका कितना रूट होगा इसका मान लेते हैं अगर 2 का रूट होगा अल्फा और बीटा तो दो रूट पॉसिबल होने का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा इफ डी इज इक्वल टू जीरो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो की इक्वल होता है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स टू रियल एंड इक्वल रूट्स होता है इफ डी इज लेस देन जीरो इफ डी इज लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से लेस है तो नो रियल रूट्स होता है नो रियल रूट्स। अच्छा अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है इस एक्सप्रेशन से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा इसको इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स अगर एक्सप्रेशन लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तब बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस 4ac ए क्या होगा x स्क्वायर कोफिशियंट c होगा कांस्टेंट टर्म तो a का वैल्यू 1 है b का वैल्यू 4 है c का वैल्यू 3 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 3 तो 16 माइनस 12 4 आ रहा है एंड 4 इज ग्रेटर देन 0 4 0 से बड़ा है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसका 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा मतलब इसका 2 को रियल रूट होगा और यहाँ से देख के ही पता चल रहा है ये फैक्टराइज हो जाएगा फैक्टराइज होकर क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 फिर ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 और प्लस एक्स प्लस 3 तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 इंटू
एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ये अब यहाँ से इसका अगर इनइक्वालिटी साइन बनाते हैं, इनइक्वालिटी साइन यहाँ से दो फैक्टर आता है, एक आता है माइनस थ्री, एक आता है माइनस वन। माइनस वन के बाद, माइनस वन के बाद जीरो रख लेते हैं, जीरो पर ये थ्री, ये वन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, माइनस वन के बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक ऐसा बनेगा। अभी हम लोग को नहीं पता कि इनइक्वालिटी क्या है, बस यहाँ से रूट फाइंड किए हैं, रूट आया है माइनस थ्री माइनस वन। और यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अगर है तो इसका दो गो रूट होगा, और दोनों रूट मीन्स एक रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा, मीन्स उसका दो गो रूट होगा, टू रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। अगर d इक्वल टू जीरो होता, अगर d इक्वल टू जीरो होता तो ये रियल नंबर लाइन को एक ही पॉइंट पर टच करता, क्योंकि इसका टू रियल एंड इक्वल रूट है, दोनों रूट इक्वल है, मतलब इसका एक ही रूट है, और दोनों रूट इक्वल मतलब मान ली कि किसी इक्वेशन का रूट है टू कॉमा टू, तो एक पॉइंट है ना टू, टू पर ही वो रियल नंबर लाइन को टच करेगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर दिए, इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x प्लस टू कॉमन एंड माइनस एक्स प्लस वन। तो इसका देखते हैं कर्व कैसा बनता है, यहाँ से दो को वैल्यू आएगा, इस फैक्टर ये फैक्टर जीरो कहाँ पे होगा माइनस टू पर, ये फैक्टर जीरो होगा वन पर, दो वैल्यू मिला, वन से ग्रेटर कोई नंबर रखते हैं, वन से ग्रेटर टू रख लेते हैं, तो टू पर ये हो जाएगा फोर, टू पर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो फोर इंटू माइनस वन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब कर्व इस टाइप्स का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि सबका पावर ऑड है, तो इस टाइप का कर्व बना। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इसका दो, जो भी दो गो रूट है वो रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा, वही दोनों पॉइंट पर। अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर बी का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस वन और सी का वैल्यू टू, तो वन माइनस माइनस प्लस फोर इंटू एट, फोर इंटू टू एट, ये नाइन, नाइन आया तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट, एक तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो टू रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, और ये दो गो रूट क्या क्या है, माइनस टू है और वन है, दो गो रूट है मतलब रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, दो गो रूट है मतलब रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट कर रहा है। और ये दोनों में, ये दोनों से एक बात और क्लियर हो रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट कितना यहाँ पे वन है, पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशेंट पॉजिटिव होता है तो कर्व अपवार्ड बनता है, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट पॉजिटिव होता है तो कर्व अपवार्ड बनता है, एंड एक्स स्क्वायर कोफिशेंट नेगेटिव होता है तो कर्व है डाउनवार्ड, लिख लिए कर्व डाउनवार्ड ओपन है ना। तो एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर कोफिशन अगर ए, ए पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशन ए होता है, ए पॉजिटिव होता है तो कर्व अपवार्ड, और ए नेगेटिव है तो कर्व डाउनवार्ड। डी पॉजिटिव है तो रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा डी, और डी इक्वल टू जीरो है तो इक्वल रूट होगा, इक्वल रूट होगा मतलब एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं डी इक्वल टू जीरो का, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, तो ये 16 माइनस 16 जीरो आ जा रहा है। डी का वैल्यू जीरो आ रहा है, डी का वैल्यू जीरो आ रहा है। अच्छा, इसका रूट कितना हो जाएगा? इसका रूट हम लोग लिख सकते हैं, ये है x माइनस टू का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर है। तो रियल नंबर लाइन पे देखते हैं कि ये कहाँ कट करता है, इसका एक फैक्टर है ये जीरो कहाँ पर होगा, एक्स का वैल्यू टू पर, एक्स का वैल्यू टू पर ये जीरो होगा, एक्स का वैल्यू टू पर। टू के बाद कोई नंबर रखते हैं, टू के बाद कोई नंबर, तो टू के बाद कोई नंबर थ्री रख लेते हैं, थ्री पर ये हो जाएगा थ्री माइनस टू वन, वन के स्क्वायर वन पॉजिटिव, तो थ्री टू के बाद पॉजिटिव है, तो टू के पहले क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि पावर इवन है, साइन चेंज नहीं करेगा, तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये इस टाइप का कर्व बनेगा। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो रहा है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो देन द कर्व टचेज द रियल नंबर लाइन एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो ये एक ही पॉइंट पर टच करेगा, और एक्स स्क्वायर कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है तो कर्व अपवार्ड, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट पॉजिटिव है तो कर्व अपवार्ड, और एक्स स्क्वायर कोफिशियंट नेगेटिव होता तो कर्व डाउनवार्ड होता, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट अगर नेगेटिव होता तो कर्व डाउनवार्ड होता। ये एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, ये इसका अगर देखें तो माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये और यहाँ से माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम लोग बनाते हैं, अभी माइनस को उधर नहीं भेजना है, अभी इसका हम लोग कर्व बना कर चेक करते हैं कि अपवार्ड होगा कि डाउनवार्ड होगा, और इसका इसका डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू प्लस टू, बी का वैल्यू प्लस टू, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस वन और सी का वैल्यू माइनस वन, ये हो जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस फोर जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो और ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इसका एक ही रूट आ रहा है वन, तो रियल नंबर लाइन पे ये कहाँ पे कट करेगा, एक पॉइंट आ जाएगा वन, वन के बाद अगर कोई नंबर रखेंगे टू रख लेते हैं, तो टू माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव बन जा रहा है, तो वन के बाद नेगेटिव और वन के पहले भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वन से क्रॉस करेंगे और वन का पावर में टू है, इवन है, पावर इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, इधर इवन, इधर माइनस है, इधर भी माइनस होगा, तो ये कर्व और ये कर्व में डिफरेंस यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव था तो कर्व अपवार्ड बना, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कर्व डाउनवार्ड बना। ओके, तो यहाँ से चार बात क्लियर हो गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है और ए पॉजिटिव है तो कर्व अपवार्ड होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है तो रियल नंबर का दो पॉइंट पर कट करेगा, लेकिन अगर ए लेस देन जीरो है तो कर्व डाउनवार्ड होगा। वो डी ग्रेटर देन जीरो का दो केस, डी ग्रेटर देन जीरो का दो केस, एक ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड दूसरा ए इज लेस देन जीरो। डी इक्वल टू जीरो का दो केस, एक ए इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो अपवार्ड, लेस देन जीरो होगा तो डाउनवार्ड। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, ए का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू थ्री है, तो फोर माइनस ट्वेल्व
माइनस एट लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, इसका मतलब इसका रियल रूट नहीं होगा। तो रियल रूट नहीं होगा मतलब रियल नंबर लाइन को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर कट करेगा जो इसका रूट होगा। कट करना मतलब रूट होना, रियल रूट होना तभी कट करेगा, और इसका रूट नहीं है मतलब रियल नंबर लाइन को कट नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट, तो रियल नंबर लाइन को कट नहीं करेगा। और इसका ए क्या है, इसका ए है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है मतलब कर्व कैसा होगा अपवार्ड, तो रियल नंबर लाइन को कट भी नहीं करेगा और अपवार्ड होगा, तो कर्व कैसा बन जाएगा, इससे अपवार्ड होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है और कोई भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। अब ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका ए लेस देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन जीरो है। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू वन, वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू माइनस वन, तो वन और माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस थ्री, जो लेस देन जीरो है। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा, मीन्स रियल नंबर लाइन को कट नहीं करेगा। और इसका ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मतलब कर्व डाउनवर्ड बनेगा, कर्व बनेगा डाउनवर्ड और रियल नंबर लाइन को कट नहीं करेगा, तो इस टाइप का कर्व बनेगा। तो मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं ए से और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू से कि उसका रफ कर्व कैसा बनेगा, रियल नंबर को कट करेगा कि नहीं करेगा, अपवार्ड होगा कि डाउनवार्ड होगा। ये दो बात क्लियर कर सकते हैं कि रियल नंबर लाइन को कट करेगा या नहीं कट करेगा और अपवार्ड होगा या फिर डाउनवार्ड होगा, ये दो बात यहाँ से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से इस साइड है ए ग्रेटर देन जीरो एंड इस साइड ए लेस देन जीरो, इसका तीन कर्व बनेगा। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, थर्ड है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा। ए लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मतलब ये रियल नंबर लाइन को दो पॉइंट पर कट करेगा और डाउनवर्ड होगा। ये d इक्वल टू जीरो है मतलब एक ही पॉइंट पर टच करेगा, a ग्रेटर देन जीरो है मतलब अपवार्ड होगा, और यहाँ a लेस देन जीरो है मतलब डाउनवार्ड होगा। यहाँ d लेस देन जीरो है और अपवार्ड होगा इस टाइप का, और d लेस देन जीरो के लिए ही इफ a लेस देन जीरो है तो कर्व डाउनवार्ड होगा और कोई रियल रूट